विपस्ना साधना महात्मा बुद्ध की अद्भुत देन है। प्रिय दोस्तों, इस भौतिक जगत में हम कुछ भी करते हैं तो हमारा मन हमारे से सवाल करता है कि इसको करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदे जानने के बाद ही हमारा मन उसको धारण करता है। आज मैं उन फ़ायदों का वर्णन करना चाहता हूँ जो विपस्ना से हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में होते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आप व्यस्त व्यक्ति हैं तो विपस्ना आपको तनाव से मुक्त करने में सहायक हो सकती है और कुछ शांति एवं आराम प्रदान कर सकती है। यदि आप चिंतित रहते हैं तो ध्यान आपको स्थायी या अस्थायी शांति प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। दोस्तों, यदि आज आपके सामने अंतहीन समस्याएं हैं तो विपस्ना आपकी साहस और शक्ति विकसित करने में सहायक हो सकती है और आप समस्याओं पर विजयी हो सकते हैं। यदि किसी कारणवश आज आप में आत्मविश्वास की कमी है तो विपस्ना आपको अपेक्षित आत्मविश्वास प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। प्रिय दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भय है तो विपस्ना आपको उन विषयों के यथार्थ स्वभाव को जानने में सहायता पहुंचा सकती है जो आपके अंदर भय उत्पन्न कर रहे हैं। आप अपने मन के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हर चीज़ से सदा असंतुष्ट रहते हैं और जीवन में कुछ भी संतोषजनक नहीं प्रतीत होता तो विपस्ना आपकी आंतरिक संतुष्टि विकसित करने और उसे संरक्षित रखने का अवसर प्रदान कर सकती है। यदि आप जीवन के स्वभाव और संसार को समझने से रिक्त होने के कारण निराश और टूटे दिल के हैं तो विपस्ना आपका यथार्थ में मार्गदर्शन करेगी और आपको समझने में सहायता प्रदान करेगी कि आप अनावश्यक चीज़ों से व्याकुल हैं। यदि आप धनी व्यक्ति हैं तो विपस्ना आपको अपनी धन संपत्ति के स्वभाव को जानने में सहायक होगी और बताएगी कि आप कैसे धन संपत्ति का अपनी और दूसरों की प्रसन्नता के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आप दरिद्र हैं तो विपस्ना आपको कुछ संतोष प्राप्त करने और उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखने से रोकेगी जो आपसे अधिक समृद्ध हैं। यदि आप अपने जीवन के चौराहे पर अभी युवा हैं और आप नहीं जानते कि किस मार्ग पर जाया जाए तो विपस्ना आपको बताएगी कि किस ओर यात्रा करके
आप अपने सही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यदि आप प्रौढ़ हैं और जीवन से तंग आ चुके हैं तो विपस्सना आपको जीवन की गहराई को समझने में सहायता प्रदान करेगी और बदले में जीवन की प्रसन्नता को बढ़ाने में सहायक होगी। प्यारे दोस्तों, यदि आज आप गर्म स्वभाव के हैं तो आप क्रोध, ईर्ष्या और विरोध की दुर्बलता को जीतने में अपनी शक्ति को विकसित कर सकते हैं। यदि आप ईर्ष्यालु हैं तो आप अपनी ईर्ष्या के खतरे को समझ सकते हैं। यदि आप अपनी 5 इंद्रियों के दास हैं तो आप जान सकते हैं कि आप उनके स्वामी कैसे बन सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप शराब पीने और नशीले पदार्थों का सेवन करने के आदि हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस गुलाम करने वाली खतरनाक आदत को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो यह विपस्सना आपको सर्वोच्च बुद्धि की ओर ले जाएगी। तब आप वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देख सकेंगे और वैसे नहीं जैसे वो दिखाई देती हैं। और यदि आप बौद्धिक रूप से दुर्लभ हैं तो विपस्सना आपके मस्तिष्क को शक्तिशाली बना सकती है, जिससे आप मन की शक्ति को विकसित करके अपनी दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज विपस्सना को अपने जीवन की दिनचर्या बना लें, शील पालन करें, सदाचारी बन जाएं, सम्यक समाधि हासिल करें तथा फिर अपनी प्रज्ञा जगा लें। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। आज परमात्मा के आगे मेरी यह प्रार्थना है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों।